नमस्कार, मैं हूँ शरद व्यास। इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां के विजया बैंक के गार्ड ने अपने ही बैंक मैनेजर पर गोली चला दी है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से बैंक में भगदड़ मच गई है। वारदात की वजह भी बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल सिक्योरिटी गार्ड बैंक में ग्राहकों की मदद करने के दौरान मैनेजर के निर्देशों को अनदेखा कर रहा था। इस पर मैनेजर नाराज हुआ तो गार्ड ने मैनेजर पर ही गोली चला दी। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे ग्वालियर संवाददाता महेंद्र सिंह से। महेंद्र, क्या है पूरा मामला, क्यों आखिर गार्ड ने मैनेजर साहब पर गोली चला दी? सुनील जी, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में विजया बैंक है, उसके मैनेजर जीएन मिश्रा जो है उनके ऊपर, उनके गार्ड ने ही, इंद्राम अली सिंह कुशवाहा ने आज उनके ऊपर बंदूक तानते हुए गोली चला दी थी और उन्होंने अपनी जान जैसे जैसे बचाकर छुपते छुपाते बचाई है। तो उसी बता दूं कि पूरा कारण जो गोली चलाने का रहा वो बताया जा रहा है कि गार्ड कस्टमर की हेल्प करता था और जो मैनेजर है उनको ये चीज़ ना गरबारा पसंद आती थी, उसी पर उन्होंने ये विवाद हुआ था और विवाद के दौरान उन्होंने गार्ड ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर आ गई थी, जबकि उसको गार्ड को रास्ते में दे लिया और उनकी जो बंदूक थी उसको भी जब्त कर लिया है। जबकि मैनेजर का आरोप है कि वो वहाँ अपने कस्टमर को साथ परेशान करता था। इस अफला पुलिस ने पूरे मामले को 307 का मामला दर्ज कर लिया और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये हमारे यहाँ एक विजया बैंक है, विजया बैंक है मिश्रा जी, हमारे जीएन मिश्रा जी हैं, वो वहाँ पर चीफ मैनेजर हैं। उनका एक गार्ड है रामबली सिंह कुशवाहा, उसके द्वारा आज अभी फायर किया है। मैंने पूछताछ पर उन्होंने बताया है मुझे मिश्रा जी ने कि उनका जो गार्ड था उसको एक हमारे क्लाइंट को भड़का रहा था, कोई चेक पास हो गया था, 31,000 का चेक था जो 39,000 में पास हो गया था, वो बैंक का डिस्प्यूट था और बैंक उसको अपने लेवल पर उसको सही कर रही थी। इसी बीच में कुशवाहा जी क्लाइंट को बैंक प्रबंधन के विरोध में भड़का रहे थे। मैनेजर द्वारा उनको बुलाया गया और उनको समझाया गया तो उस बार लोग काफ़ी उत्तेजित हुए, उत्तेजित होकर उन्होंने जीएन मिश्रा जी के ऊपर फायर किया। शुक्ला जी चूंकि दूसरे काम से आए हुए थे, शुक्ला जी ने पैनल को हाथ से मार दिया, इससे वो गोली मैनेजर साहब को न लगते हुए दीवार में लग गई। घटना घटी है, उसको पकड़ लिया है और उनके विरुद्ध अपराध के अनुसार फायर किया गया। बैंक प्रबंधन के अगेंस्ट में वो ऐसा कह रहा था, कई सालों से नौकरी कर रहा है, अभी जांच का विषय है वो क्या वो जो गार्ड है वो बैंक के अगेंस्ट प्रबंधक अगेंस्ट में क्यों गया और वो क्यों भड़का रहा था, ये अभी जांच का विषय है, उससे पूछताछ की जाएगी कि उसने ऐसा क्यों किया, इसे बाद में हो जाएगा। ग्वालियर चंबल संभाग में गोली चलाने की वारदात बेहद आम हो चली है। इस इलाके में जैसे कानून का किसी को कोई डर ही नहीं है, ऐसे में आला पुलिस अधिकारियों की कार्यक्षमता पर सवाल तो उठते ही हैं। ऐसे अधिकारी सिर्फ ऐसी चेंबरों में बैठकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त होने का सपना देखते रहते हैं। देखना होगा कि इस घटना के बाद पुलिस अपना इकबाल बुलंद करने के लिए क्या कुछ कोशिश करती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज, लॉग ऑन करें indiafirst.online।